अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें ऐसे हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब बहन भाइयों से यही एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी मैं खेतों में आया हूँ, तो शाम का टाइम होने वाला है, 4 तकरीबन बजने वाले हैं। तो ये देखें कि माशाल्लाह से गंदम की जो फसल है ना वो सारी सीटियाँ निकल आई हैं। अभी नेक्स्ट मंथ तीसरे महीने की 5 या 10 तारीख तक फिर जो है ना गंदम है ना ये सूखना शुरू हो जाएगी। तो एक और ये बात बताना चाहता हूँ कि ये देखें सामने मशीनरी चल रही है, वो सामने वहाँ पर वो सामने भी लगी हुई है। तो ये सारा रोड जो रिया की नानी के घर जाता है ना वो सामने देखें उधर, तो ये सारा रोड आज इसका काम शुरू हो गया है माशाल्लाह से। तो ये सारा ख़राब हुआ पड़ा था, तो ये अभी रास्ता जो है ना बिल्कुल तंग हो गया है, ये इस रास्ते से जो है ना उधर नहीं जा सकते बुरिया की नानी के घर। लेकिन हमें एक रास्ता और भी लगता है इस साइड से, फिर वो नहर नहर से थोड़ा दूर हो जाता है, फिर वो ऐसे गुजरते हुए ना ऐसे फिर आना पड़ता है। तो ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, चलें काम हो जाएगा, रोड बन जाएगा तो अच्छी बात है। ये कवीलियाँ, हम तो इसे सराकी में ऐसे कहते हैं कवीलियाँ, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। ये देखिए इधर तो बेगम खा रही है दही और सफेद चावल उबाल के ना वो खा रही है। तो डॉक्टर ने तो मुझे रोटी रोक दी आज कल रात को, पता नींद आएगी या नहीं आएगी। तो इन्हें तो मैंने रोटी बना कर दी है, आलू का सालन भी बना कर दिया, इन्होंने तो खा लिया है। डेली आलू खिलाती है और बाकी सर पास है क्या जो चीज पड़ी होती है वो बना लेते हैं और ये अभी खा रही है। अभी चावल तो बना लिए थे लेकिन चावल खाने का दिल नहीं कर रहा था ऐसे, क्यों? तो मैं साथ जो हमसे आया है लेकर आई हूं। अच्छा, तो पैदा अच्छी हुई है कुछ? कुछ बेहतर है, शुक्र है। अच्छा, तो आप सब बहन भाई ने दुआ करनी है। तो अपनी वीडियो में तो बता चुके लेकिन आज की वीडियो में तो नहीं बताया ना, मेरा ब्लड भी लो हो गया था बिल्कुल। हाँ, दवाई लेके अरे चावल ले जाती है ले लो ले। रिया, रिया शूज, रिया का शूज, रिया रिया इधर आओ मेरे पास आओ। सर पे दही लगी हुई है। मुझे पता है क्या हुआ, जब से शादी खा कर रही हूँ ना उस दिन से नजर लाती है, उस दिन से तबीयत खराब है। कल वीडियो शुरू की थी, आज दूसरा दिन है। अस्सलाम वालेकुम हुरिया, अस्सलाम वालेकुम करो। तो हुरिया की मम्मा नहीं है, मीटिंग पे गई हुई है, तो हुरिया को मैं ना सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखते हैं सोती है या नहीं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सो जाओ। सोएगी नहीं, कोशिश करते हैं। हुरिया को सुला तो मैंने लिया था लेकिन अब उठ गई है हुरिया। क्या बाबी? अभी हुरिया को लेके ना तो हुरिया की नानी के घर जाना है, तो इसकी अम्मी भी उधर आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम भी कर रही है नींद में। ओ मैं सदके, अस्सलाम वालेकुम रिया करो, अस्सलाम वालेकुम रिया करो, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं और हुरिया ये देखें सामने बैठी है हुरिया, अस्सलाम वालेकुम। तो हुरिया को थोड़ा सा बुखार है आज, तो अभी वो सो के उठी है, तो मैं नहा के ना तो अभी जा रहे हैं हम हुरिया की नानी के घर। तो वहाँ पर जो है ना बेगम साहब अभी आ जाएंगी मीटिंग से वापस, तो वो अपनी खाला के साथ गई हैं। तो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे, अभी बच्चों को स्कूल से भी लेना है। सारा रोड इन्होंने जो है ना तोड़ा हुआ है, वहाँ चक में हमने जाना है पहले सामने, वहाँ से बच्चों को स्कूल से लेना है, उसके बाद फिर हुरिया की नानी के घर जाना है। तो रास्ता इतना ख़राब है कि मोटरसाइकिल ये देखे फंस गया है हमारा, अभी चलने का नाम ही नहीं रह रहा। और मैं सच्ची बात आपको कर रहे हैं फंस गए हैं। हुरिया कैसे, हुरिया हैं?
पुरिया की पानी वाली बोतल पीछे गिर गई है। ये बोतल पानी की थी पुरिया की दूध बनाने के लिए। ये नीचे गिरी है मोटरसाइकिल के ऊपर, ढकना यहाँ पे पड़ा हुआ है। कहती है कि हुरिया के ख्याल में नहीं रख सकता, आज नहीं रखा ख्याल। उसे सुला दिया आपने, आपसे तो सोती नहीं है। आपने तो सुला दिया, आप आराम से सोकर। मैं नहीं सोया, आगे ईरान अब अपने नीचे घर तो हुरिया को लेकर आ गया। मैं नहीं सोया था, हुरिया सिर्फ सोई थी। और पता है रास्ते का, पता है ना, देखा है तुमने रास्ता? रास्ता मैं उधर से तो देखा है, कल तवेले निकली गई। नहीं अब तो आप उस साइड थे, इस साइड से ही बात। ये सारा रास्ता बिल्कुल ख़राब है। हुरिया की बोतल नीचे गिर गई थी पानी वाली, सारा सामान नीचे फंस गए थे हम। रास्ता नहीं है, जाना पड़ेगा उधर से नहर नहर से। ये क्या है ना, खराब हो गई थी तो फिर मैंने काट दिया। क्यों, कैंची की गई दिखाओ तो जाना, कैंची के साथ पे है ना। यहाँ ये ख़त्म अब, ये बेच देना। ये चांदी सोने की थोड़ी है। हाँ क्या चीज है? मेरे पास ना चांदी ना सोना है। किधर जाना है फिर? कहीं भी नहीं जाना। हाँ नहीं पर कहाँ जाएंगे? चाय शहर पिलाएं कोई हमें। अभी चाय बनाइए, आप बाहर बैठे हैं, आपको बुलाती रही हूँ, आप आए नहीं अंदर। अब अम्मी आएगी ना, वो दूध निकालेगी चाय का। अच्छा फिर चाय बनाएगी। क्यों? तो ये मोटरसाइकिल जो है ना, हम ले गए थे शहजाद और खाला। शहजाद चला रहे थे और पीछे खाला थी और उसके पीछे मैं थी। तो यहाँ से जो ये रेतरा इलाका है ना, यहाँ से तो मैं जोर से गिरी हूँ, आप खुद अल्लाह ने बचा लिया। उसने तेज चलाया होगा। मैं आप कभी भी इस मोटरसाइकिल पर नहीं बैठूंगा, मुझे नया मोटरसाइकिल निकाल लेकर दे। खराब हो गया मोटरसाइकिल, क्योंकि दो बच्चे हैं, हम भी हैं। आप कहीं जाना हो तो हम मोटरसाइकिल भी नहीं, अच्छी हो ना हो तो फिर सही तो है। ये कैसे सही है, आप खुद बताया, इसकी नंबर प्लेट भी नहीं है। नंबर प्लेट लग जाए, कहीं दूर जाना हो तो हम मोटरसाइकिल किसी और से ले फिर जाए। चुप करके खड़े हो क्या करो आप, मेरी परवाह नहीं है, मैं गिर जाती हूँ। सीरियस बात कर रही हूँ, गिर गई हूँ। अच्छा चोट तो नहीं लगी? पैर फिसल गया है नीचे। चोट तो नहीं लगी? चोट नहीं लगी, खुदा ने बचा लिया, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन नीचे गिरी रेत थी। अच्छा तो बच गया, ने बचा लिया। ऊपर जो है ना पक्की जगह होती है ना, फिर चोट लग, ऊंची जगह थी ना जहाँ मोटरसाइकिल चढ़ा होता ना, ऊपर ऊंची जगह थी तो उन्होंने ब्रेक लगा दिया आगे से। उसने कहा मैं धाची के मारी ना जोर से, रुक जा रुक जा, तो उन्होंने ब्रेक लगा दिया। जात करो तुम, करो हुरिया तुम करो। तो अभी हम वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमारी वीडियो आप सब बहन भाइयों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी चैनल पर हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।